लोकसभा चुनाव 2019 में मिली हार के बाद राहुल गांधी ने 25 मई को कांग्रेस कार्य समिति की बैठक बुलाई। हार की जिम्मेदारी लेते हुए कांग्रेस के अध्यक्ष पद से इस्तीफे की पेशकश कर दी। हालांकि इस बैठक में ही CWC के सभी सदस्यों ने सर्वसम्मति में राहुल गांधी के इस्तीफे को नामंजूर कर दिया। राहुल गांधी अपने फैसले पर अड़े हैं। राहुल ने नया अध्यक्ष चुनने के लिए पार्टी के बड़े नेताओं को 1 महीने का समय दे दिया है। इन सबके बीच में इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, कांग्रेस के अध्यक्ष पद पर बड़ा ऐलान हो गया है। जी हाँ, राहुल गांधी जो इस्तीफा देने पर अड़े हैं, दरअसल यही राहुल गांधी सिर्फ 1 से 1.5 साल तक अध्यक्ष पद से दूर रहेंगे। जी हाँ, हमेशा के लिए इस पद को राहुल नहीं छोड़ रहे हैं। बताया जा रहा है कि सिर्फ 1.5 साल तक अध्यक्ष पद से दूर रहेंगे वो, और ये रास्ता कांग्रेस के बड़े नेताओं ने राहुल गांधी के लिए निकाला है। दरअसल राहुल की जिद के आगे झुके कांग्रेस नेताओं ने बीच का रास्ता निकाला है, जिसमें राहुल गांधी की बात भी रह गई है और कांग्रेस का अध्यक्ष पद भी खाली नहीं है। बिना किसी जवाबदेही के देश विदेश में घूमकर राहुल गांधी यहां पर पार्टी के लिए काम करें, बिना पद के मोदी सरकार की गलत नीतियों के खिलाफ खुलकर आलोचना कर पाए, पद नहीं रहने पर सत्ता पक्ष के निशाने पर राहुल गांधी नहीं होंगे। इसी वजह से राहुल गांधी से हटाकर 1.5 साल तक अध्यक्ष पद से वो दूर रहेंगे और पार्टी के वर्चस्व को जनता के बीच मजबूत करेंगे। SPN 9 न्यूज से मेघा की रिपोर्ट।